ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन की बैठक में दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन 10 दिसंबर को यूपी से सशक्त भागीदारी करने का संकल्प लिया गया। तहसील बिलारी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे राशन डीलरों को 30,000 मासिक वेतन, प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर 250 रुपये कमीशन, डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम लागू करना, पर्यवेक्षण और निगरानी समिति की व्यवस्था समाप्त करने के प्रमुख मांगे हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश के डीलर 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर चल रहे धरने में शामिल होंगे। बैठक में तहसील अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हाजी अब्दुल हसन, जिला उपाध्यक्ष सतपाल सिंह, तहसील उपाध्यक्ष हरवीर सिंह, कुंदरकी ब्लॉक अध्यक्ष विजयपाल सिंह, ब्लॉक महासचिव कुंदरकी डॉक्टर मुकीम, नगर अध्यक्ष बिरारी मोहम्मद यासीन, कानूनी सलाहकार मोहम्मद रफी, रईस अहमद, प्रताप सिंह मौर्य, शशि नंदन गुप्ता, मोहम्मद उपक, भारत सिंह, दिलीप कुमार, अरविंद कुमार पप्पू, राजीव शर्मा, अजीत गुप्ता, बहुत से डीलरों ने भाग लिया। जी, हमारे डीलर संगठन की मीटिंग हुई है यहाँ पर कि 10 तारीख में उत्तर प्रदेश का दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना है और 2 तारीख से धरना लगातार चल रहा है, 13 तारीख तक चलेगा। हम अपनी मांगे हर हाल में सरकार से मना करेंगे। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का राशन डीलर राशन नहीं उठाएगा, चालान जमा नहीं करेगा, क्योंकि राशन डीलर इस बेस पर काम नहीं पाएगा। 70 पैसे कमीशन है, 70 पैसे का हमें अपना किराए का खर्चा तक नहीं निकलता है, और जब खर्चा नहीं निकलता तो ऐसी दुकानें हम चला कर करेंगे। किसी डीलर को कोई शिकायत करते हैं राशन ले जाने के बाद उनकी कार्रवाई होती है, हम ही चाहते हैं वो कार्रवाई नहीं हो। जो हम मशीन राशन वितरण कर रहे हैं तो हमारी मशीन देखी जा, इतना सीधा कोई भी कार्डधारक नहीं है जो उनका लगा जाए और राशन लेकर नहीं जाए। उनकी छोटी शिकायतों पर राशन डीलरों को काफ़ी परेशानियाँ पड़ती हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे हमारी मांगें मानी जाए और हमें 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए और 30,000 रुपये महीने की हमारी सैलरी दी जाए। और इसी बात को लेकर हम यहाँ से 10 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पर रवाना होंगे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे राशन डीलर।